स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा राजधानी के सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित करने के मामले में प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया से मिले एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही को GID नियमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही बताया है। काटजू अस्पताल में गया था, वहाँ पे जो कार्रवाई की गई है वो तो गलत कार्रवाई है। वो बहुत बढ़िया व्यवस्था उस अस्पताल की, बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट मैडम है बहुत अच्छे, बहुत नंबर ऑफ डिलीवरीज बहुत कराई उनने, बहुत सुंदर वार्ड है, अच्छी OT है, सारा लेबर स्टाफ वगैरह उनका जो काम करने वाला बहुत अच्छा है। सारी दवाइयों की पूरी लिस्ट लगी हुई है वहाँ पे, कितनी उपलब्ध है ये भी सब लिखा हुआ है। और किसी भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम से भी बेहतर उस अस्पताल को हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर चिकित्सकों के ढंग से हतोत्साहित किया जाएगा तो हमारा मनोबल टूटता है। इस चीज़ को हमने प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया है, उन्होंने माननीय मुख्य सचिव महोदय से बात की थी और हमने निवेदन किया है कि सर आप हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में चर्चा कराई। प्रभारी मंत्री जयंत मलैया ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अधिकारियों के व्यवहार पर संज्ञान लेने और निलंबन की कार्यवाही पर रोक लगाने का भरोसा दिलाया है कि कुछ अधिकारियों ने जाकर हॉस्पिटल में जाकर जो बर्ताव किया डॉक्टर्स के साथ वह उचित नहीं था। मेरा तो आज भी ये मानना है और हमेशा ये मानना रहा कि व्यवहार तो हमेशा मर्यादाओं के भीतर ही होना चाहिए। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शालीन गैर शालीन तरीके से बात करे। मेरी जो कुछ लोगों की समस्याएँ थीं जो उन्होंने मुझे बताई, उसके बाद मैंने मुख्य सचिव महोदय से बात की है, उन्होंने उसको देखने के लिए कहा। प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टर को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा होता है। नियम अनुसार किसी भी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले या तो जांच कराई जाती है या फिर नोटिस दिया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर डॉक्टर जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को निलंबित कर दिया, जो सरासर गलत है।